कर्नाटक की राजनीति में पिछले काफी दिनों से चल रहे गतिरोध के आज शाम 6 बजे तक थमने के आसार हैं, क्योंकि स्पीकर केआर रमेश ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को आज फ्लोर टेस्ट की अनुमति दे दी है और शाम 6 बजे तक फ्लोर टेस्ट हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि एचडी कुमारस्वामी की जो सरकार है वो रुकेगी या गिर जाएगी। उधर स्पीकर ने बागी विधायकों को 23 जुलाई को अपने दफ्तर में समन जारी किया है और उनसे जवाब तलब करने के लिए कहा है। इधर एससी ने जो निर्दलीय विधायक है उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में, राजनीतिक जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें क्या देखने को मिलता है। सावन महीने का आज पहला सोमवार है और सुबह से ही देश भर के शिवालयों में लोगों की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर शिवालयों में शिव पर जल अभिषेक करने पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि सावन में इन चार सोमवारों का विशेष महत्व होता है। इसरो के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 2 का आज यानी 22 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:43 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। बता दें कि इसे ले जाने वाला देश का सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV मार्क 3 का रविवार को ही रिहर्सल पूरा हो गया था। हालांकि इस मिशन को 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन व्हीकल में कुछ तकनीकी खराबियों के चलते इस मिशन को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई रहती है और हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो स्मोक करती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से उनके फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो एक अस्थमा पेशेंट है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जहां एक कलियुगी मां ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मृतिका के अकाउंट में 40 लाख रुपए और 2 मकान उसके नाम थे, जिसके लालच में आकर उसकी मां ने अपनी ही बहन के पति के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले ही मृतिका के पति की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद मृतिका ने अपनी मां से जिद की थी कि वो दूसरी शादी करना चाहती है, जिसके बाद मां को शक था कि ये सारी संपत्ति उसके हाथ से चली जाएगी, जिसके बाद उसने अपने बहन के पति के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।